हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी एंड क्रीमी बनने वाला है। तो चलिए गाजर का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है 1 केजी मैंने गाजर लिया हुआ है, जिसे अच्छे से वॉश करके मैंने ग्रेट कर लिया है। और 1 लीटर मैंने दूध लिया है, जिसे अच्छे से मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया है। और इसके साथ ही मैंने ड्राई फ्रूट्स थोड़ा लिया हुआ है, जिसमें थोड़ा काजू, बादाम, किशमिश और मखाना है। और यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून घी लिया हुआ है, 3 से 4 मैंने इलायची ली हुई है और 1 कटोरी मैंने चीनी लिया हुआ है। और इसके साथ ही मैंने थोड़ा अमूल का मिल्क मेड लिया हुआ है। अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं तो आप मावा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर बिना मावा के बना रही हूँ। तो मैंने लिया हुआ है कढ़ाई, जिसे मैंने गरम कर लिया था। ये हमारा लोहे का कढ़ाई है, मोटे परत की वजह से हमारा जो हलवा है वो नीचे चिपकता नहीं है और अच्छे से हमारा गाजर जो है वो अच्छे से भून जाता है बिना स्टिकी हुए। तो घी हमारा गरम हो गया है, तो इसमें हम जो गाजर मैंने ग्रेट किया हुआ था उसको सब डाल के मैंने अच्छे से हम भून लेते हैं उसे। इसको अच्छे से स्टेयर करते रहना है, चलाते रहिए। देखिए हमारा गाजर भुनना स्टार्ट हो गया है और इसमें जो एक्सेस वाटर होता है वो भी ऑब्जर्व होने लगता है। धीरे धीरे ऑलमोस्ट पूरा पानी हमारा सोख लिया है गाजर से। और दिख रहा है कितने अच्छे से हमारा गाजर जो भून रहा है। इसे हमें 5 से 7 मिनट तक कंटिन्यू अच्छे से भूनते रहना है चलाते हुए। देखिए हमारा 5 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। इसे 2 से 3 मिनट हमें और पकाना है। तो जब तक हमारा गाजर भून रहा है तब तक हम ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसे कट कर लेना है। तो हम इसे कट कर लेते हैं, हमें ज़्यादा छोटे छोटे नहीं करने हैं, आप अपनी इच्छा के अनुसार कट कीजिए। तो ऐसे ही हम अपने सारे ड्राई फ्रूट्स कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स कट हो गए हैं और फिर हम एक बार फिर हलवा, देखिए गाजर अच्छे से भून गया है हमारा, बहुत ही अच्छे से भून के रेडी हो गया है। तो अब हम इसमें दूध डालते हैं। दूध हमारा बहुत ही गाढ़ा पका हुआ है, हम सारे दूध डाल के इसे हम अच्छे से पकाते हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको दूध कितना गाढ़ा है। मैं यहाँ पे मावा बिल्कुल यूज नहीं कर रही हूँ। दूध को अच्छे से बॉईल करना है। दूध गर्म हो गया है हमारा और इसमें धीरे धीरे बॉईल आना स्टार्ट हो रहा है। देखिए घी भी ऊपर आ गया है। तो इसे हम अच्छे से चलाते हैं। बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
आप इसे शुगर फ्री भी बना सकते हैं डायबिटीज़ वालों के लिए। इसमें चीनी ना डाल के शुगर फ्री की जो टैबलेट्स आते हैं उसे डाल दीजिए, या फिर अच्छे से भून के पूरा दूध को पूरा सुखा के आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो गाजर का स्वीटनेस होता है वो थोड़ा मीठा कर देता है हलवे को। देखिए कितना क्रीमी दिख रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। हमारा दूध धीरे धीरे सोखने लगा है गाजर में। इसे अच्छे से हम चलाएंगे और चलाते रहते हैं। और ये जो हमने इलायची पाउडर किया है उसे भी हम डाल देते हैं। दो से तीन मिनट तक और हम पकाते हैं और चारों तरफ से अच्छे से हम चला लेंगे इसे, ताकि जो दूध चिपक गया है कढ़ाई में वो अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए दूध भी ऑलमोस्ट सोखने लगा है और इसमें हम चीनी डाल देते हैं। चीनी हमें पहले ही नहीं डालनी, क्योंकि उससे जो गाजर का वो पानी है वो एक्स्ट्रा बढ़ने लगता है, इसीलिए हम लास्ट में ही चीनी को ऐड करते हैं, लास्ट 5 मिनट पहले। देखिए हमारा दूध ऑलमोस्ट सोख लिया है, कितना अच्छा दिख रहा है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और अब हम इसमें जो मिल्क मेड मैंने लिया हुआ था उसे हम डालेंगे। मिल्क मेड ऑलरेडी मीठा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे चीनी थोड़ा कम डाला था। इसमें हम 5 से 6 चम्मच हम मिल्क मेड डालते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप इसे ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। अब मैं ये किशमिश के अलावा ये सारे जो मैंने ड्राई फ्रूट्स कट किए थे उसे हम डाल देते हैं। अच्छे से सब मिक्स कर लेते हैं हम। अब हम लास्ट में जो मैंने घी लिया था 1/2 टेबल स्पून मैं घी इसमें और ऐड कर रही हूँ लास्ट में, जिससे हमारा जो हलवा है वो क्रिस्पी बनता है, इसीलिए लास्ट में घी ऐड किया जाता है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, लेकिन डालने पे और टेस्टी लगता है, उसका टेस्ट और बढ़ जाता है हलवे का। देखिए हमारा हलवा बनके पूरा रेडी हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करते हैं। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है इसकी, देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है। देखिए कितना अच्छा, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा।